हरियाणा ये प्रदेश है जहां पर सेना में हर दसवां जवान, हर दसवां जवान हरियाणा की माताओं ने अपने नौ निहालों को भेजने का काम किया है। ये हरियाणा वीर भूमि है। और भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं 2014 में जो परिवर्तन आया उसमें मोदी जी ने अपने प्रचार की शुरुआत इसी हरियाणा की वीर भूमि में की थी, वीर भूमि में की। और मोदी जी ने वादा किया था कि हम वन रैंक वन पेंशन को पूरा करेंगे। 40-40 साल से कांग्रेस पार्टी की तीन पीढ़ियां, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सोनिया, इन लोगों ने सेना का सम्मान नहीं किया, वन रैंक वन पेंशन को पूरा नहीं किया। हरियाणा वालों, बादशाहपुर वालों, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा कर दिया। और आज मैं आपको कहने आया हूं कि वन रैंक वन पेंशन का तीसरा वर्जन भी मोदी जी ने लागू कर दिया है। अब नई तनख्वाह के साथ पेंशन मिलने वाली है। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा जो है कांग्रेस के, जानते हो ना जरा? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? ये राहुल बाबा ये झूठ बोलने का मशीन है। ये राहुल बाबा कहते हैं कि अग्निवीरों को इसलिए योजना लाए हैं कि सरकार उनको पेंशन वाली नौकरी नहीं देना चाहती। अग्निवीर योजना केवल और केवल हमारी सेना को जवान रखने के लिए बनाई रही। मैं आज कहकर जाता हूं हरियाणा की माताओं को, बहनों को, आपके नौ निहाल में सेना में भेजते वक्त मत झिझकिएगा। हरियाणा के एक एक अग्निवीर को हरियाणा सरकार और भारत सरकार पेंशन वाली नौकरी देने वाली है, पेंशन वाली। और मैं आज बादशाहपुर में कहकर जाता हूं, 5 साल के बाद कोई अग्निवीर ऐसा नहीं होगा जिसके पास पेंशन वाली नौकरी नहीं होगी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, 3 अक्टूबर को माता रानी का त्योहार शुरू हो रहा है, नवरात्रि शुरू हो रही है और 5 अक्टूबर को आपको वोट डालना है। 5 अक्टूबर को वोट डालते वक्त ये शक्ति का अपमान करने वाले राहुल बाबा और उसकी कांग्रेस पार्टी को जवाब देना है, जवाब देना है। और ये तुष्टिकरण में अंधे हुए हैं। मुझे बताओ बादशाहपुर वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक गर्व से कहते हैं हमने अयोध्या के विचार को हरा दिया। राहुल बाबा, सीटों पर हार जीत तो होती रहती है, आप इसको रामलल्ला के अपमान के साथ मत जोड़ो। आपकी पार्टी ने 550 साल से रामलल्ला टेंट में थे, अस्थाई मंदिर में थे, कुछ नहीं किया। मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया, मंदिर भी बनाया और प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी कर दिया। भाइयों बहनों, हमने ये जो जवाब राहुल गांधी दे रहे हैं इसका जवाब देना है। राव नरवीर बता रहे थे यहां पर सरकारें चलती थी, गुड़गांव का विकास नहीं होता था। नरवीर साहब, गुड़गांव छोड़िए, यहां कांग्रेस की जो सरकारें आती थी वो केवल और केवल एक जाति
और एक जिले का विकास करती थी। 2014 में हरियाणा वालों ने भाजपा सरकार बनाई, ये 10 साल ने हमने 36 बिरादरी और पूरे हरियाणा का विकास करने का काम किया है। पूरे हरियाणा का पहली बार हरियाणा ने पूरे हरियाणा की 36 बिरादरी की चिंता करने वाली सरकार दी। पहले एक सरकार आती थी तो एक जिले का विकास होता था और गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। दूसरी सरकार आती थी, दूसरे जिले का विकास होता था और करप्शन बढ़ जाता था। ये हुडा साहब की सरकार थी, दलाल, डीलर और दामाद वो चरम सीमा पर थे। मेरे गुड़गांव की सैकड़ों एकड़ जमीन दिल्ली के दामाद को धनवान बनाने में बर्बाद कर दी, बर्बाद कर दी। हुडा साहब, आज भी आपके लोग तैयार हो गए हैं। अभी अभी मैं व्हाट्सएप पर देख रहा था, एक प्रत्याशी कहता है मुझे विधायक बना दो, मेरे हर समर्थक को 50-50 नौकरियां दूंगा। कैसे दोगे भाई, नियम है या नहीं है? और आप आपके समर्थक को दोगे तो हरियाणा की जनता क्या करेगी? भाइयों बहनों, कांग्रेस का जब जब शासन आता है खर्ची और पर्ची से नौकरी देने का काम होता है, खर्ची और पर्ची से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने हरियाणा में 1.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। ना खर्ची ना पर्ची, कोई दलाल की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के जमाने में नौकरी देनी हो तो घूस देनी पड़ती थी। इनके दल्ले आ जाते थे, दलाल आ जाते थे, घूस मांगते थे। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाकर ऐसा शासन दिया कि डाकिया 51 रुपए का सगुन लेकर युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर डाकिया ही दे जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। भाइयों बहनों, हमने तय किया है आप भाजपा की सरकार बना दो, हम 5 लाख युवाओं को, फिर से मैं कह रहा हूं, 5 लाख युवाओं को 5 साल में खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी। मैं अभी अभी हमारे हरियाणा में नया ट्रेंड देख रहा हूं, हथीन से लेकर थानेसर तक और थानेसर से पलवर तक कांग्रेस के मंचों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा को, ये आपकी पार्टी के नेता, आपके कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्यों चुप हो भाई, क्यों चुप हो, क्यों नहीं रोकते? तुष्टिकरण में कांग्रेस पार्टी अंधी हो गई। मुझे बताओ बादशाहपुर वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे अंत तक बताओ, दूर तक, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? ये कांग्रेस पार्टी और राहुल बाबा कश्मीर में सरकार बनाने के लिए कहते हैं हम धारा 370 को वापिस लाएंगे। राहुल बाबा, एक गुरु की नगरी में, ये बादशाहपुर में मैं कहकर जाता हूं, आप तो क्या, आपकी 3 पीढ़ी भी 370 को वापिस नहीं ला सकते। कश्मीर हमारा है, ये कश्मीर में फिर से कश्मीर का झंडा लाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मैं आज कहकर जाता हूं, जब तक मोदी सरकार है कश्मीर में एक ही झंडा फहरेगा, हमारा तिरंगा फहरेगा और कोई झंडा नहीं। भाइयों बहनों, कश्मीर की रक्षा के लिए मेरे हरियाणा के जवानों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और वो कुर्बानियों को हम
जाया नहीं जाए देंगे। भाइयों बहनों, अभी अभी कांग्रेस का जो चुनाव आता है, ढेर सारे वादों की बारात लगा देते हैं। हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम फला देंगे, हम ढिका देंगे। हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना तीनों राज्यों में चुनते वक्त तो सारे वादे किए, मगर एक भी वादा पूरा नहीं हो रहा है। राहुल बाबा की सारी गारंटियां फूस हो गई है, फूस। और हिमाचल सीएम ने कहा ये तो संभव ही नहीं है। भैया हमें भी संभव नहीं है मालूम है, आपने वादा क्या किया, वादा क्यों किया था। भाइयों बहनों, हम ऐसा कोई वादा नहीं करते जो हम पूरा न कर पाए। यहां इतनी माताएं बहनें बैठी है, मैं एक मोदी की गारंटी कहकर जाता हूं, भाजपा की सरकार बना दो, हर महीना 2100 रुपया हरियाणा की माता बहन के बैंक अकाउंट में हम डाल देंगे। ये राहुल बाबा झूठ बोलने की मशीन है। एमएसपी की बात करते रहते हैं। मैं बताता हूं राहुल बाबा, आप जरा जवाब दो, आपकी ऊपर भी सरकार थी, नीचे भी सरकार थी, कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदते थे? सिर्फ गेहूं और चावल। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है 24 फसलों का दाना दाना भारतीय जनता पार्टी खरीद कर लेगी, दाना दाना। बाजरे की एमएसपी 3000 कर दी, सरसों की एमएसपी 5600 रुपया कर दी। राहुल बाबा आपसे दो गुना ढाई गुना करी है, और आप तो खरीदते भी नहीं थे, हमने खरीदने का काम किया है। धान और गेहूं कांग्रेस के राज से हमने ढाई गुना खरीदना का है। भाइयों बहनों, अभी राहुल बाबा अमेरिका गए थे, लोकसभा में हम पर आरोप लगाते थे कि भाजपा आरक्षण समाप्त कर देगी। अब हम तो जवाब देते रहे, पब्लिक ने थोड़ा उनका भरोसा कर दिया। अब राहुल बाबा अमेरिका गए, वो अमेरिका में अंग्रेजी में बोलते हैं, यहां पर भी कई बार अंग्रेजी में बोलते हैं। अंग्रेजी में बोले कि हम एसटी एससी और ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर देंगे। राहुल बाबा, हाथी की तरह आपने आपके दिखाने के और चबाने के दांत अलग है। आप क्या समझते हो, अमेरिका जाकर बोलोगे वो हरियाणा में नहीं आएगा? भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ओबीसी का आरक्षण समाप्त करना चाहिए क्या? जोर से बोलो, करना चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आज कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक ओबीसी एससी इसके आरक्षण को हम कांग्रेस को हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाएंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 5 लाख तक का आयुष्मान भारत का कार्ड दिया है। 5 लाख तक का सारा इलाज, ऑपरेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, डायलिसिस, डायग्नोसिस सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब हरियाणा में 8 तारीख को कमल की सरकार बना दो, 5 लाख को हम 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करने का काम। अरे बादशाहपुर वालों, 10 लाख में क्या मान जाते हो? और घर में अगर एक बुजुर्ग है जिसकी आयु 70 से ज्यादा है, तो 10 की जगह 15 लाख तक का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आज कहने आया हूं भाइयों बहनों, हमने विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। आज मैं कांग्रेस के नेताओं को कहकर जाता हूं, राहुल बाबा भी यहां आने वाले हैं हरियाणा में, राहुल बाबा हरियाणा की सरकार को जवाब दो। यूपीए की सरकार थी 2004 से 14 तक, आपने कितना पैसा हरियाणा के विकास के लिए दिया, जवाब दीजिए। हुडा जी जवाब नहीं देते हैं,
मगर मैं तो बनिए का बेटा हूं भाई, हिसाब लेकर आया हूं। आज बताता हूं बादशाहपुर वालों आपको, मैं आज बताता हूं, यूपीए सरकार ने हरियाणा को 10 साल में 41,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया? 41,000 करोड़। जोर से बोलो कितना दिया। और मोदी जी ने 14 से 24 में यही 10 साल में मोदी जी ने 2,92,000 करोड़ रुपया हरियाणा को दिया। आप क्या बात करते हो? आप विकास करोगे? मैं आपको बता दें जाता हूं एक सस्पेंस, बादशाहपुर वालों, सब प्रदेशों में मोदी जी को सबसे ज्यादा प्यार हमारे हरियाणा के लिए है। हरियाणा के लिए इतने छोटे से प्रदेश में 2,92,000 करोड़ रुपया दिया। मैं यही की बात करूं तो हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन से पुराने गुड़गांव और साइबर सिटी तक जो हमने जोड़ा, सड़क, बिजली, पानी आपूर्ति और स्वास्थ्य के लिए 940 करोड़ रुपया अकेले गुड़गांव में खर्च किया, 570 एकड़ भूमि को विकसित किया, 9000 करोड़ से 30 किलोमीटर लंबा पहला एलिवेटेड 8 लेन द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया, 104 करोड़ से वाटिका चौक सोहाना रोड के बीच में 5.5 किलोमीटर का बरसाती पानी का जल भराव का काम भी हमने किया। और हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र 20,000 करोड़ से गोरखपुर में डाला, भारत माला परियोजना के तहत 45,000 करोड़ से 1,000 किलोमीटर का रोड बनाया, 5,000 करोड़ से गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना पूरी की, 1,700 करोड़ से रेवाड़ी में एम्स बनाया, एम्स जज्जर में 700 बिस्तर वाला कैंसर का अस्पताल बनाया, कुरुक्षेत्र में 240 करोड़ का अनुभव केंद्र बनाया, अमृत भारत योजना के तहत हरियाणा के 15 रेलवे स्टेशन को हमने डेवलप किया, हरियाणा के नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण करने का काम भारत सरकार ने किया। और भाइयों बहनों, गुड़गांवा के लिए मैं कहकर जाता हूं, गुड़गांवा में हम 700 बेड का नया अस्पताल अगली टर्म में बनाने वाले हैं। फिनटेक का हब जो हमारे युवाओं को नौकरी देगा, 100 एकड़ में गुड़गांवा में वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब बनाने का काम हम करेंगे, जीरो लैंडफिल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लान भी बनाएंगे, एक विश्वकर्मा महाविद्यालय खोलेंगे, सीटी स्कैन, एमआरआई, कार्डियोलॉजी, डायलिसिस और डायग्नोसिस सरकारी अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, खरखोदा के तर्ज पर एक नया औद्योगिक नगर जोर से ताली बजाना अपने बादशाहपुर में खोलने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी करेगी, 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदेंगे, गृहिणी योजना में माताओं बहनों जोर से ताली बजाना, 500 रुपये से ज्यादा दाम गैस का आपके लिए नहीं लिया जाएगा, बच्ची जो कॉलेज जाएगी इसको स्कूटर देंगे, 36 बिरादरियों के विकास के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग कल्याण बोर्ड बनाएंगे, ओबीसी के बच्चों को 25 लाख तक की लोन की गारंटी हम देंगे और अरावली में अंतरराष्ट्रीय स्तर की जंगल सफारी बनाने का काम भी भारतीय जनता